सुप्रभात, ये है आज का विचार। यदि आपको कोई खुद से छोटा नजर आ रहा है तो या तो आप दूर से देख रहे हैं या गुरूर से देख रहे हैं। आइए अब डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। कंडक्टरों की भर्ती करेगा हिमाचल पथ परिवहन निगम। जी हाँ, कंडक्टरों की भर्ती होगी। कितने कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी, पूरी खबर आपके साथ ही साझा करेंगे। बिना बिल के पकड़ा 1,10,00,000 रुपए का सोना। कहां पर बिना बिल के इतना सोना पकड़ा गया है, पूरी खबर आपके साथ है साझा करेंगे। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर पलटी एचआरटीसी की बस। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर एचआरटीसी की बस पलट गई, इसमें कितना नुकसान हुआ है, पूरी खबर आपके साथ ही साझा करेंगे। तो ये हैं आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि आपके साथ सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और एनएसवी न्यूज को स्टार भेजें, ताकि हमें आपका सहयोग मिले और हम इसी उत्साह के साथ हर दिन हर खबर से आपको रूबरू करवाते रहें। शिमला बिलासपुर 4 लेन बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। 4 लेन के लिए अर्की क्षेत्र में ही 11,000 पेड़ काटे जाएंगे। इनमें 3,000 पेड़ फलदार हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और वन विभाग ने इनकी गणना पूरी कर ली है। लंबे समय से लंबित हिमाचल पथ परिवहन निगम कंडक्टर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश सरकार के आदेशों पर एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 360 कंडक्टरों की भर्ती करवाएगा। इसे लेकर लोक सेवा आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के उपमंडल काजा के अंतर्गत आने वाले तूत घाटी में मंगलवार से बस सेवा शुरू हो गई है। काजा से ये बस शाम 4:30 बजे जाएगी और लोसर से प्रस्थान का समय सुबह 7 बजे का है। हिमाचल प्रदेश में ड्रग माफिया पर आने वाले दिनों में शिकंजा और कसेगा। प्रदेश में सुखू सरकार ने NDPS एक्ट की धारा 37 में संशोधन करने और इसे और सख्त बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। इस विधेयक में नशे के कारोबार को गैर जमानती बनाने का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर एचआरटीसी की बस पलट गई। हादसा 14 मील के पास हुआ। बिलासपुर डिपो की बस मनाली से दिल्ली जा रही थी। हादसे में ड्राइवर समेत 5 लोग घायल हुए, जिन्हें पत्नी कोहर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी यात्री सुरक्षित है। हमीरपुर शहर में अमृतसर के व्यक्ति से राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने बिना बिल 1,10,00,000 का सोना पकड़ा है। विभाग को गुप्त सूचना के आधार पर इस बात की जानकारी लगी कि बाहरी राज्य का व्यक्ति अपने बैग में सोना लेकर घूम रहा है। जानकारी मिलते ही राज्य कर एवं आबकारी विभाग की टीम ने हमीरपुर शहर में दबिश देकर अमृतसर के व्यक्ति को दबोच लिया। हिमाचल में अब करीब 5 साल बाद कोऑपरेटिव बैंक की नई शाखाएं जल्द खुलेंगी। बैंक प्रबंधन ने इस बारे में RBI को पत्र भेज दिया है। इस पत्र को मंजूरी के बाद प्रदेश भर में उन जगहों का चयन किया जाएगा जहां बैंक अपनी शाखाएं चला सकता है। बैंक में नई शाखाओं के चयन की प्रक्रिया बैंक की कोर कमेटी और अध्यक्ष मिलकर पूरी करेंगे। हिमाचल प्रदेश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 300 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज मिले। बीते 24 घंटे में 306 नए कोरोना केस मिले। सोमवार को कोरोना के 318 नए केस पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1493 हो गया है। हिमाचल के मंडी से धर्मपुर की कुम्हारड़ा पंचायत के कुलाहन गांव में अचानक घर में आग लगी, जिसके कारण मकान जलकर राख हो गया। आगजनी में करीब 5 लाख का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये घटना सुबह 8 बजे की बताई जा रही है, जिसमें ये नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड में हिमाचल की सब जूनियर महिला व पुरुष हॉकी टीम के चयन के लिए ट्रायल किया गया, जिसमें प्रदेश भर से 86 हॉकी खिलाड़ियों ने टीम में जगह पाने के लिए अपना दमखम दिखाया। इसमें 63 पुरुष और 23 महिला खिलाड़ी शामिल रहे। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़पर भारत के साथ। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिलहाल के लिए बस। न्यूज़पर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य स्टीक निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़पर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़पर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़पर भारत। न्यूज़पर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।